नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। अलीगढ़ से खबर जहां गृह मंत्री अमित शाह का अखिलेश पर निशाना, प्रदेश के माफिया आप तीन जगह दिखाई देता है, माफिया जेल में है या प्रदेश के बाहर है, माफिया सपा प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल है, योगी सरकार ने माफिया राज खत्म किया है। तो अमित शाह ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, माफिया सपा प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल है या तो बाहर है या तो जेल में है। तीन जगह जो माफिया है वो प्रदेश में नजर आ रही हैं। तो अलीगढ़ में मौजूद थे गृह मंत्री अमित शाह, यहां पर उनका प्रचार प्रसार का अभियान है, कार्यक्रम है और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सुनिए क्या कुछ कहा अमित शाह ने। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों के लिए एक कमल का फूल नहीं है, कमल के फूल पर मां लक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा साक्षात उनके घर में आई है। उनके बच्चों के पेट भरने का काम 2 साल तक नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे 7 अर्थ में बताइए, ये सपा बसपा बसपा सपा की सरकारें चलती थी, तब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर किसी को यूनिवर्सिटी बनाने का याद आया था क्या? आया था, बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी ने मोदी जी के हाथ से राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बना दी और कासगंज, एटा, हाथरस और अलीगढ़ के 100 से ज्यादा कॉलेजों को छोड़कर हमारे युवाओं की पढ़ाई लिखाई की हमेशा के लिए व्यवस्था करने का काम। तो वही बुलंदशहर में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी। वैक्सीन पर विपक्ष ने भ्रम फैलाया था, डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है, गरीबों को राशन का डबल डोज दे रहे हैं। 2017 से पहले कानून व्यवस्था खराब थी, 2017 के बाद कानून व्यवस्था दुरुस्त की गई है, पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, 2017 के बाद बेटियों को सुरक्षा मिली है। तो सीएम योगी ने जमकर निशाना साधा है समाजवादी पार्टी और आरएलडी पर और उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें जो थी उनके समय सुरक्षा नहीं थी प्रदेश में और अब सुरक्षा है। नेतृत्व में पूरा देश इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए देश के अंदर न केवल प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए बल्कि उनकी जीविका को बचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और भारत में, उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सबसे अच्छा परिणाम देकर के अपने व्यक्ति, अपने प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने, उनकी जीविका को बचाने का कार्य भी किया। कोरोना महामारी के इस बेहतरीन प्रबंधन के साथ जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, कहते थे कि वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन तो बीजेपी का वैक्सीन है, आप सब ने वैक्सीन लेकर के अपने को तो कोरोना से बचाया ही बचाया, उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी दिया कि मोदी वैक्सीन ही सही, लेकिन यह देश कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में विजयी बनेगा। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था और ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम जिस लायक हो ही नहीं भाई, याद करिए, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। प्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था
और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। लखनऊ से खबर, जहां यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह का बयान आया है, जो जिम्मेदारी पार्टी देगी निभाऊंगी। स्वाति सिंह ने कहा कि कोई परमानेंट विधायक या मंत्री नहीं होता है, मुझे टिकट कटने का कोई दुख नहीं है, आज जो भी हूँ पार्टी की वजह से हूँ, बीजेपी के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी करूंगी, मुझे पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, हम जनता की वजह से सत्ता में हैं, पार्टी ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, दूसरों को भी मौका मिलना जरूरी होता है, पार्टी के फैसले पर सवाल नहीं होना चाहिए। है कि परिवार में दायित्व हर वक्त, जब मैं आई थी भारतीय जनता पार्टी में तो मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, ये जरूरी तो नहीं है कि मैं परमानेंट मैं ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी रहूं। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पार्टी ने सरोजनी नगर विधानसभा से मुझे जिताया, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया, तो पार्टी का जो भी निर्णय है, जब पार्टी ने महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था तब मैं नहीं जानती थी मैं विधायक बनूंगी, तब नहीं जानती थी मैं मंत्री बनूंगी, लेकिन पार्टी ने किया, इस निर्णय में भी पार्टी ने अच्छा सोच के ही किया होगा, ऐसा नहीं है कोई मुझे लगता है कि बेकार में उन चीज़ों को इशू बनाना नहीं चाहिए। दयाशंकर जी अपनी बात रख रहे थे, रख रहे होंगे, मैं दावेदारी की बात क्या है, मैं उस विधायक थी ना वहाँ की, अभी वर्तमान में हूँ, जब तक कोई नया नहीं बनेगा तो उस क्षेत्र के की जिम्मेदारी तो आज भी है मेरे ऊपर। अगर आज मेरा कोई कार्यकर्ता आएगा, आज मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति आएगा, तो ये जिम्मेदारी बनती है स्वाति सिंह की, सरोजनी नगर के विधायक होने के नाते, कि मैं उनका काम करूं, और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये मेरी जिम्मेदारी आजीवन बनी रहेगी कि मैं अपने, मेरे पास जो भी आएगा उनका मैं काम करूं और मैं भविष्य में भी करती रहूं। देखा टीवी में, मैंने बताया आप लोगों को शुरुआत में ही कि जब मैं 17 साल की थी क्लास 12th में, तब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है, मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। संदेश कैसे देंगे पब्लिक के बीच जाकर आप, आपकी एक चुनौती है, अभी चुनाव प्रचार डोर टू डोर जाके कर रहे हैं, रैलियां तो हो नहीं रही हैं, पार्टी के लिए कैसे और काम करेंगे? संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना जरूरी है, कोई पदाधिकारी होना आवश्यक है। राम गोपाल यादव राज्यसभा में क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। पूरे देश में अब कोई अपनी नीतियों के लिए बात नहीं हो रही है, गालियां दी जा रही है, गुंडों की पार्टी है, एक उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री, और किस सीमा तक कैसे बात करते हैं। चित्रकूट में गृह मंत्री जी ने कहा अखिलेश कितना ही जोर लगा लें मंदिर को नहीं रोक सकते। कौन मंदिर को रोक रहा है, कौन मंदिर को रोक रहा है? ये तो मंदिर के रुपए में चोरी कर रहे, चंदे में। अखिलेश की सरकार आएगी तो मंदिर बेहतर बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। मैं सदन के माध्यम से कहता हूं, ये आप बताइए, इतने जिम्मेदार लोग इतने गैर जिम्मेदारा बयान करें, जिम्मेदारानी की बात कहें, तो ये अच्छा नहीं है। मैं कभी इस तरह की बात नहीं कहता हूं, लेकिन रोज सुन रहा हूं तो यहां कह रहा हूं, बाहर में ये भी नहीं कह सकता कि वहाँ समझदार लोग बैठे हुए हैं, सारे देश के लोग बैठे हुए हैं, हालांकि प्रधानमंत्री के साथ ज्यादातर लोग चले गए। ये मैंने से पुराण भी पढ़ा है, विष्णु पुराण भी पढ़ा है, तमाम पुराण पढ़े हैं, लेकिन मलिक साहब से आपने आज, मैंने मोदी जी का पुराण भी सुन लिया और वो भी चले गए। प्रस्ताव रखने वाले, प्रस्ताव के समर्थन करने वाले को कायदे से सदन में रहना चाहिए कि उनके प्रस्ताव पे कौन आदमी बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो 5 फरवरी को बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस होने की उम्मीद है, रोजगार सृजन, महिलाओं और के रोजगार, राष्ट्रवाद को की हो सकती है बात। जेपी नड्डा, अमित शाह, सीएम योगी, धर्मेंद्र प्रधान इसमें मौजूद रहेंगे। तो घोषणा पत्र जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, और इसमें किसानों को राहत देने के जो संकेत हैं वो दिखाई दे रहे हैं, आसार हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए रोजगार, 5 फरवरी को बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस रहेगा। किसान और कृषि से जुड़े
मामलों में रियायत मिल सकती है। इतना ही नहीं, रोजगार पर जो फोकस है वो होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी का। महिला स्वरोजगार सुरक्षा सम्मान पर भी फोकस है और इस घोषणा पत्र में सांस्कृति राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बता दें कि शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर भी विशेष फोकस संभव है। तो बड़ी बात तो यह है कि किसानों को लेकर रियायत देने की जो बात है वो सामने आ रही है कि किसानों को राहत दे सकती है भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में। तो घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो उसमें महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर किसान जो हैं उन सभी को साधने की कोशिश होगी। तो वहीं शामली में अखिलेश और जयंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि लोग हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं, किसान को उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं दिया गया। कल बजट आया, आपने देखा, कुछ नहीं दिया। कोविड में किस तरह से लोग पलायन कर रहे थे और बजट में कुछ भी नहीं दिया गया, किसानों को उम्मीद के मुताबिक कुछ भी नहीं दिया गया, अखिलेश यादव ने कहा। तो ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव भी मौजूद रहे इस दौरान और उन्होंने कहा कि कोविड में किस तरह से लोग पलायन कर रहे थे ये हर किसी ने देखा है, लेकिन बजट में कुछ खास नहीं शामिल किया गया। भारतीय जनता पार्टी भी देखिए क्या है, गरीबों के लिए हीरे सस्ते किए हैं, चप्पल जूते सस्ते किए हैं। कितने गरीब को लाभ होगा हीरा अगर सस्ता हो जाएगा तो? जूते चप्पल सस्ते किए, और सच तो ये है कि रोजगार को लेकर के और अपनी परेशानी को लेकर के लोगों के जूते घिस गए हैं, एक भी परेशानी का ये निराकरण नहीं कर पाए हैं। इसलिए जहां भारतीय जनता पार्टी निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही, नकारात्मक राजनीति कर रही है, गठबंधन भाईचारा को लेकर के आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है क्या शामली में भाईचारा का स्तंभ बनेगा, तीनों के तीनों प्रत्याशी गठबंधन के ऐतिहासिक जीत जीत करके जाएंगे। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं जनता को, जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने वादे किए उन वादों को। कैराना विधानसभा से नाहिद हसन के लिए उनकी बहन इकारा हसन प्रचार कर रही हैं। न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका सीधा मुकाबला मृगांका सिंह से नहीं अमित शाह से है, क्योंकि अमित शाह डोर टू डोर वोट मांगने कैराना आए थे। खास बात की हमारे संवाददाता ने। न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिवली मृगांका सिंह। जी हाँ, ये सीट वैसे भी कुछ अलग है, वैसे भी अलग थी, और जब गृह मंत्री कैराना में एंट्री कर जाते हैं और पलायन का मुद्दा फिर छा जाता है तो मृगांका सिंह का 1-to-1 कन्वेंसिंग जरूर आपको दिखाना बनता है। मैडम स्वागत है। धन्यवाद। बहुत दिनों बाद पलायन का मुद्दा एक अलग तरीके से आपके सामने है। अब आप किस तरीके से जो पलायन का मुद्दा है उसको सब लोगों को समझाएंगे? देखिए, पिछले 5 वर्षों में जब से 2017 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, यहाँ पर पलायन अपराधियों का हुआ है, और जो पूर्व की सरकारों में यहाँ से आम पब्लिक व्यापारी वर्ग जो यहाँ छोड़कर चले गए थे वो यहाँ पर वापस आकर स्थापित हो रहे हैं 4.5 सालों में। जी, लेकिन नाहिद हसन, बीजेपी के चाणक्य ने यूपी चुनाव की जो कमान है वो संभाल ली है। प्रथम चरण के चुनाव में अमित शाह ने झोंकी पूरी ताकत। कल बुलंदशहर और गाजियाबाद में गरजेंगे अमित शाह, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में गरज रहे हैं और कल अमित शाह गरजेंगे बुलंदशहर में। तो लगातार बुलंदशहर में जो तमाम बड़े दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के वो आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश में तमाम नेता जुट गए हैं और ऐसे में अमित शाह कल बुलंदशहर आएंगे और यहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। पहले चरण के चुनाव में बुलंदशहर की तमाम जो सीटें हैं वो वहां पर वोट डाली जाएंगी। शिकारपुर, अनूपशहर, स्याना, सिकंदराबाद, ये वो शहर है बुलंदशहर की जहां पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। और इसी सिलसिले में अमित शाह बुलंदशहर आएंगे और यहां पर वो प्रचार प्रसार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं
उनके पक्ष में वोटों की अपील करते नजर आएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे और उम्मीदवार के पक्ष में वोटों की अपील भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने आज बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसमें उन्होंने बजट पर विस्तार से बातचीत करते हुए इसके फायदे गिनाए। इस मुद्दे पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी है सर, आज बजट को लेकर प्रधानमंत्री ने भी संबोधन किया, प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा? प्रधानमंत्री जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की नींव पर हम आधुनिक भारत का निर्माण करेंगे। गरीबों को उनके अधिकार दिलाने का काम हमने किया है। हमने 3 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दे दिए हैं। इस साल 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, 80 लाख पक्के मकान गरीबों को और बना कर देंगे। 9 करोड़ परिवारों को पीने का पानी की सुविधा दे दी है, नल से स्वच्छ जल, इस साल इतने गरीब परिवारों को और दे देंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से गांव में गरीब के लिए सड़क पहुंचाने का काम किया, 36% बजट में इस साल और वृद्धि की है ताकि गांव-गांव तक सड़कें बन सके। आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए 7.5 लाख करोड़ का बजट रखा, जो 70 साल में कभी नहीं हुआ। पिछले साल से 2 लाख करोड़ का और इसमें निवेश बढ़ाया गया है, बजट का प्रावधान किया गया है, इससे 60 लाख लोगों को रोजगार के अवसर और मिल पाएंगे। ये सारे कदम जो हैं, ऐसे और कदम, वो सारे उस दिशा में हैं जहां पर भारत आगे जा सके, आत्मनिर्भर भारत बन सके। डिफेंस कॉरिडोर यानी कि हम हथियार भी खरीदेंगे तो भारत की बनाई हुई कंपनियों से खरीदेंगे, विदेश से नहीं लेंगे। गंगा नदी पर नेचुरल फार्मिंग का कॉरिडोर बनाएंगे तो वहाँ पर किसानों की आय ज़्यादा होगी और उत्पाद जो लागत है उसको कम करने का काम किया जाएगा। ये भी किया है, नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग है, उसका भी उसको लाभ मिलने का काम। आखिरी सवाल सर, समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं, कह रहे हैं कि 5 साल तक बीजेपी ने हिंदू गर्दी की, मुसलमान चुप नहीं बैठेगा, सरकार आएगी। मैं यही कहूंगा, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। हमने जितने मकान दिए, पीने का पानी, बिजली का कनेक्शन, रसोई गैस का सिलेंडर, ना ये देखा हिंदू है कि मुसलमान है। सबको एक बराबर एक समान अधिकार दिया, जिसका हक था उसको देने का काम किया। और सुरक्षा ही तो महिला, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको दिया है। गुंडा राज भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम है, इसलिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सबको मिला है। ये मोदी जी की, योगी जी की सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ काम कर। धन्यवाद सर, ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये मोदी जी की सरकार है जिसमें सबका साथ सबका विकास हुआ है। नरेंद्र गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। ग्रेटर नोएडा के जेवर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी धीरेंद्र सिंह के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। रिलखा गांव में चुनाव प्रचार के दौरान जमकर मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। गांव में भाजपा प्रत्याशी का जमकर विरोध हुआ, साथ ही गठबंधन प्रत्याशी अवतार सिंह बढ़ाना जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधानसभा चुनाव के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री माइक सुरेश खन्ना माइक लेकर गाना गाते जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना को भाजपा ने शाहजहांपुर की नगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मंत्री सुरेश खन्ना इसी सीट से लगातार 8 बार विधायक हैं और अब 9वीं बार इसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। मंत्री सुरेश खन्ना का मुकाबला सपा प्रत्याशी तनवीर खां से है। इसी के चलते मंत्री 9वीं बार जीत हासिल करने के लिए शाहजहांपुर की नगर विधानसभा में मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। देशभक्ति गाने की धुन पर सुरेश खन्ना ने गाना गाया, जिसे उन्होंने पब्लिक के सामने गाकर सुनाया। संसद के बजट सत्र का 31 जनवरी से आगाज हो गया है। ऐसे में बजट सत्र के दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। ऐसा ही कुछ बुधवार सुबह संसद में देखने को मिला, जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया साइकिल पर सवार होकर संसद भवन पहुंचे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को साइकिल चलाता देखकर हर कोई चौंक गया।
बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इससे पहले भी साइकिल चलाकर संसद पहुंचे थे। बाराबंकी में नशे की हालत में कांस्टेबल का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सरकारी गाड़ी में हूटर जलाकर कांस्टेबल भौकाल टाइट करता दिखा। कांस्टेबल पर गाड़ी से जाकर शराब खरीदने का आरोप भी है। कैमरे में कैद होने के बाद कांस्टेबल हाथ जोड़ता दिखा। नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित रेलवे स्टेशन की ये पूरी घटना है। तो बाराबंकी में कांस्टेबल की तस्वीर कैद हुई है। बागपत में बड़ौत विधानसभा क्षेत्र में आरएलडी सपा प्रत्याशी जयवीर सिंह तोमर के समर्थन में आयोजित हुई एक सभा में उनके समर्थक का बिगड़े बोल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो गलत बयानबाजी और भड़काऊ भाषण देता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है कि यह बदला लेने का वक्त है और इंशाल्लाह 10 तारीख को यह बदला जरूर लेंगे। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो वहीं जेवर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। और ऐसे में बता दें कि यहां से गठबंधन के प्रत्याशी अवतार सिंह बढ़ाना के जिंदाबाद नारे लगे हैं। हालांकि वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो विरोध जता रहे हैं धीरेन्द्र सिंह का, और अवतार सिंह बढ़ाना को समर्थन देते नजर आ रहे हैं और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बरेली की विधानसभा बहेड़ी में अगर बात करें तो गांव है जिसका नाम सिमरा है। सिमरा के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। बहेड़ी विधानसभा में बीजेपी से छत्रपाल गंगवार मौजूदा विधायक है और राजस्व मंत्री भी है। तो वहीं सपा से पूर्व मंत्री अताउर रहमान मैदान में है, लेकिन सिमरा गाँव में विकास कार्य न होने से ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान है। न्यूज वन इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरा सच जाना। आपको बता दें कि ग्राम सिमरा में 1993 के बाद अभी तक रोड नहीं बनी है। इस गांव में 1200 से भी ज्यादा वोट हैं। इस गांव में हिंदू मुस्लिम से लेकर हर जाति के लोग रहते हैं। नमस्कार, मैं आयाज खान, बरेली के हम विधानसभा तहसील बहेड़ी में पहुंचे हैं। 118 विधानसभा लगती है। मौजूदा छत्रपाल गंगवार विधायक हैं और राजस्व मंत्री हैं। तो आप एक गांव ऐसा है वहां पहुंचे हैं, या उस गांव की स्थिति आप देख सकते हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, गांव वालों ने वोट लगा दिया है। और ये देखें स्थिति, इस एंट्री करी है गांव वालों ने अपने पास से पैसा लगा करके, ये ठीक किया रास्ता तब निकलने को क्या हो रहा है। गांव वालों की स्थिति जानते हैं उन लोगों ने जो बोर्ड लगाया है, तो क्या कहेंगे, क्यों लगाया है, आखिरकार क्या इरादा है। योगेंद्र सिंह नाम है मेरा। बीजेपी के चाणक्य ने यूपी चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है और पहले चरण के चुनाव को लेकर लगातार ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह बुलंदशहर जाएंगे और कल अमित शाह बुलंदशहर जाकर यहां पर प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे अनूपशहर में रैली करेंगे अमित शाह। 2 बजे डिबाई में जनसभा को संबोधित करेंगे और 4:30 बजे लोनी में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो कल दोपहर 2 बजे डिबाई में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो अमित शाह का कार्यक्रम है, कल का क्या कार्यक्रम है ये आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि कल अमित शाह बुलंदशहर में क्योंकि गरजेंगे, तो ऐसे में वहां के उम्मीदवार के लिए वो वोटों की अपील करेंगे।